आखिरकार आज प्रवासी मजदूरों का इंतजार खत्म हुआ। आज भिवानी से पूर्णिया के लिए प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना की गई है। गौरतलब है कि यह ट्रेन 7 तारीख को भिवानी स्टेशन से चलनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसको रद्द कर दिया गया, जिसके कारण प्रवासी मजदूरों में मायूसी छा गई थी। आज सुबह इनको हरियाणा रोडवेज की बसों से भिवानी रेलवे स्टेशन पर लाया गया है। सभी प्रवासी मजदूरों को सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए लाइन लगाकर स्वास्थ्य जांच करते हुए एक एक को पास दिया गया। प्रदेश में कमाने आए इन प्रवासी मजदूरों को काफ़ी लंबे समय के बाद अपने घर की ओर जाते वक्त इनके चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। कहाँ जाओगे सर अब? आप कहाँ जाना है आपको? पूर्णिया जिला। पूर्णिया, प्रॉपर पूर्णिया जाएंगे सभी। है आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ये मजदूर अपने घरों के लिए ट्रेन का सफर कर रहे हैं। आपको यह बता दें कि प्रवासी मजदूरों की यह ट्रेन अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के लिए रवाना हुई है। मेरा नाम झूटू कुमार, मैं बिहार से हूँ, जिला पूर्णिया। मैं यहाँ काम के लिए आया था। मैं अपने अब घर जा रहा हूँ लॉकडाउन के चलते अपने माँ बाप से मिलने। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं काम करने के लिए आया था तो लॉकडाउन के कारण मैं घर जा रहा हूँ। और खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, एक दिन दो दिन से है यहीं पे, दिक्कत कुछ काम में नहीं आया। हम अभी घर जा रहे हैं, ठीक है। मेरा नाम गुलाबी है, मैं कटिहार जिला से आया हूँ। मैं तो यहाँ काम करने के लिए लॉकडाउन के लिए चक्कर में जाना पड़ा है और यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुआ। मैं फिर से जा रहा हूँ घर। सरकार की, प्रशासन की व्यवस्था सही थी? हाँ, प्रशासन का ये सहायता सही थी। खाना और मैं खाना आपको कैसा मिला? खाना सही मिला हम लोग को, रहने की व्यवस्था सब सही थी। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा, मैं बिहार से पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं यहाँ पे नाथोबास में नहर का काम करने के लिए आया था। मुझे कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हुआ लॉकडाउन के चलते, खाना पीने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लॉकडाउन होने के बावजूद जो है ना, मुझे घर जाना पड़ेगा। किसलिए जाना पड़ेगा आपको? सर लॉकडाउन, बाल बच्चे सब है, परिवार से मिलने के चलते जाना पड़ेगा। श्रमिक एक्सप्रेस आज जो भिवानी से रवाना होगी वो पूर्णिया जा रही है। उसमें जो उस पूर्णिया के आसपास के 8 जिले हैं बिहार के, उसके जितने भी श्रमिक हैं वो आज यहाँ से जाएंगे। टोटल 1200 श्रमिक यहाँ से जाएंगे एंड उसमें से 500 भिवानी से हैं और बाकी जो 700 हैं वो दादरी से हैं। इनको प्रॉपर शेड्यूल तरीके से SOPs की पालना करते हुए बसेस में लाया गया। इनका उससे पहले डूली जो मेडिकल चेकअप है वो किया गया एंड इसके बाद व्यवस्थित तरीके से इनको जो है इनकी बोर्डिंग इसमें ट्रेन में करवाई गई। सर, सोशल डिस्टेंसिंग का किस प्रकार से पालन जो है बेसिकली इसमें यह है कि जैसे ट्रेन की कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होती है, कम रखी गई है ताकि दूर दूर बैठें, 1200 इसमें फिक्स्ड है। इसी तरह से बसेस में भी जो है नंबर वो 27 से 30 इसके लिए रखा गया, जबकि इसकी कैपेसिटी 52 से ज़्यादा होती है। एंड व्यवस्थित तरीके से जो क्यूज़ बना के इनको लाया गया एंड यहाँ भी सर्कल की मार्किंग करके ही, ताकि वो एक जो मिनिमम डिस्टेंस है 6 फीट की जो डिस्टेंस है वो मेंटेन की गई है। इसके अतिरिक्त सभी को फूड पैकेट्स और वाटर बॉटल एंड मास्क मुहैया कराए गए एंड एंट्री पे उनके हैंड सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था डूली की गई थी। तो 11:30 इसका शेड्यूल टाइम है, जब उसी पे टाइम पे रवाना की जाएगी एंड कुल 22 घंटे में ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगी। देखिए, व्यवस्था तो आप सभी देख ही रहे हैं और इन श्रमिकों को यहाँ से पूर्णिया भेजा जाना है। दादरी से और भिवानी से हमने
माइग्रेंट्स को इसमें बिठाया, सभी के पानी की खाने की व्यवस्था अच्छे तरीके से की गई है और सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम हैं, ये सभी इनको टिकट भी सरकार की तरफ से ही मुहैया कराए जा रहे हैं और ये लोग अपने घर जाना चाहते थे, जो नहीं जाना चाहते उनसे विलिंग लेके जो उनको यहाँ काम मिल गया वो नहीं दिखा पा रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस प्रकार से गाड़ी की जी सोशल डिस्टेंसिंग का हर एक गाड़ी में एक डिब्बे में 27 लोगों को हमने बिठवाया है ताकि एक पैटर्न उनका रहे बैठने का और साथ ही मास्क और हैंड ग्लव्स और बाकी जो सैनिटाइज की चीज़ें हैं वो सभी भी अवेलेबल करवाई गई हैं। किसी तरीके की अगर समस्या आती है तो वो लोग किसी भी समय में कॉल